मतलब वजाइना के साथ खेलना, वजाइना को छूना, टच करना, फिंगरिंग करना। अभी तो मार्केट में काफी सारे ऐसे टॉयज अवेलेबल हैं गर्ल्स के लिए, जो वो यूज करके वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। काफी सारे मैम लड़कों के बारे में तो आप काफी सारी वीडियो बनाते हो, लड़के मास्टरबेशन ऐसे करते हैं, लड़के हैंड प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, लड़कियां कैसे करती हैं ये बताओ, हमें तो ये जानना है। तो भाई आज की वीडियो स्पेशली लड़कियों के लिए होने वाली है, लड़कों के लिए भी होने वाली है। जान लो लड़कों कि कैसे लड़कियां हैंड प्रैक्टिस करती है। काफी कमेंट मुझे मिलते हैं मैम लड़कों के बारे में बहुत बोलती हूँ, लड़कियां नहीं करती क्या, लड़कियों के बारे में बताया करो आप। तो चलिए आज खुलकर बात करते हैं इसी टॉपिक पर कि लड़कियां हैंड प्रैक्टिस कैसे करती हैं। देखिए लड़कियां जो हैंड प्रैक्टिस करती है ना, तो हैंड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है आप इसे समझ जाइए, अपने हाथों को यूज करके अपने आप को सेटिस्फाई करना। तो जैसे लड़के करते हैं वैसे ही लड़कियां करती हैं, कोई अलग चीज नहीं होती है। ठीक है, लड़कों के पास बस ये है कि जब लड़के हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपने पेनिस में इरेक्शन आता है, देन अपने हाथों का यूज पेनिस के पास करते हैं। तो लड़कियों का भी ऐसा ही है, लड़कियों का मतलब लड़कों का ऐसा नहीं है उनकी बॉडी में कि कहीं इरेक्शन आया और वो वैसे मतलब है ना, तो लड़कियों के पास ऐसा कुछ है नहीं जिसमें इरेक्शन आएगा, लेकिन लड़कियों के पास उनकी वजाइना होती है तो वजाइना के साथ ही लड़कियां अपनी हैंड प्रैक्टिस करती है। कैसे करती है, देखिए फिंगरिंग का नाम आपने सुना होगा। तो अगर कोई लड़की वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहती है, काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी जो बाहर रहती हैं हॉस्टल्स में रहती है, या फिर सिंगल हैं उनको शादी नहीं करनी है, या फिर किसी लड़की के अंदर सेक्स डिजायर है लेकिन वो किसी पार्टनर के पास नहीं जाना चाहती, वो बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाना चाहती, वो शादी नहीं करना चाहती, वो सिंगल रहना चाहती है, तो ऐसी लड़कियाँ हैं वो अपनी आपको सेक्स डिजायर को कम करने के लिए अपने मतलब हैंड प्रैक्टिस करती है। तो फिंगरिंग सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है उसमें। अगर कोई लड़की हैंड प्रैक्टिस करती है तो ज़्यादातर लड़कियाँ फिंगरिंग करना पसंद करती है। फिंगरिंग वो अपनी वजाइना के अंदर फिंगर का यूज करती हैं, वन फिंगर टू फिंगर जितना भी उनको कंफर्टेबल लगता है वो करती हैं, उनको जिस भी तरीके से वो अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहे उस तरीके से वो कर सकती हैं। तो यही हैंड प्रैक्टिस में यही चीज़ें आती है, वजाइना के साथ मतलब वजाइना के साथ खेलना, वजाइना को छूना, टच करना, फिंगरिंग करना। अभी तो मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे टॉयज अवेलेबल हैं गर्ल्स के लिए, जो वो यूज करके वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे सेक्स टॉयज जो मार्केट में मिलते हैं उनका यूज करके लड़कियां अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज करके लड़कियां हैंड प्रैक्टिस करती हैं। तो होप ये आप समझ चुके होंगे लड़कों, क्योंकि लड़कों जैसा आप करते हो वैसे ही लड़कियां करती, कोई अलग चीज़ नहीं है। हैंड प्रैक्टिस का नाम अगर है दोनों के लिए सेम तो दोनों हैंड का ही यूज करते हैं। ओके, तो होप ये समझ चुके होंगे आप कैसे करती हैं लड़कियां। और काफ़ी सारे लड़कियों के भी मुझे कमेंट आते हैं क्या ये गलत है, क्या हमें करना चाहिए। देखिए गलत वाला कुछ भी नहीं है, अगर आप अपने आप को खुश करना चाहते हैं, आप सिंगल रहना चाहती हैं, आप नहीं चाहती आपका कोई पार्टनर हो और आप अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, आप कर सकती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि फिंगरिंग कर रही है तो आपके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि लग सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, कट लग सकता है, इरिटेशन हो सकती है, वहाँ पर फिर आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो फिंगरिंग के दौरान आपको नेल्स कट करने चाहिए, रखने चाहिए, हाथों का साफ आपको रखना चाहिए, क्लीनअप आपका होना चाहिए। अगर आप किसी टॉयज का यूज कर रही हैं, सेक्स टॉयज का यूज करती हैं, वो यूज करने के बाद उनको आप प्रॉपर क्लीन करके रख दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप यूज करें साफ रहें, ठीक है, इन्फेक्शन ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए, बाकी गलत कुछ भी नहीं है। आप अपने आपके साथ आपकी बॉडी है यार, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको समझ आई हो, वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लड़कों, क्योंकि स्पेशली लड़कों के लिए वीडियो थी। लड़कों के सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं, मैम लड़कों के बारे में बताते हो, लड़कियाँ कुछ नहीं करती, लड़कियों को क्यों पीछे रखा है बताइए। तो आज मैंने लड़कियों के बारे में बता दिया, तो फटाफट से पहुँचा दो सभी लड़कियों के पास इस वीडियो को। जो जो लड़कियाँ करती है वो अच्छे से समझ जाएंगी, जो नहीं करती हैं वो भी अच्छे से देख लेंगी कि अगर उनको करने का है तो वो कैसे करें, ठीक है। तो फटाफट से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो इस टाइप की और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।